देश को जितना कश्मीर अपना लगता है, अगर उसका आधा भी नॉर्थ ईस्ट मेघालय लगता तो आज हम हिंदू यहाँ नहीं रोते। यहाँ के हिंदू इस देश के लिए हिंदू नहीं है। इज मेघालय सेफ फॉर नॉन ट्राइबल्स। तो ये बताइए मुझे कि आखिर लोग कहते हैं कि शिलोंग में खतरा है कभी, खासी के लोग जो है आपको कैसे लगते हैं? खासी मेजोरिटी को कुछ कुछ लोग बोलते हैं शिलोंग बड़ा खतरनाक। क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है कि जस्ट फॉर व्यूज और थोड़े फेम के लिए एक सिटी या एक शहर या एक स्टेट को ही बदनाम कर दे और उसे डिक्लेयर कर दे अ स्टेट ऑफ टेरर? इनका मकसद साफ है, या तो कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो शिलोंग छोड़ दो। और ये मेघालय के हर एक हिंदू घर की लड़ाई है, हर एक हिंदू। मुझे पता है कि इस वीडियो बनाने के बाद कुछ लोग शायद मेरे भी खिलाफ हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिलोंग एक डेंजरस प्लेस है, शिलोंग एक टेररिस्ट प्लेस है, शिलोंग एक बहुत ही खतरनाक लोगों की जगह है। कुछ लोग हो सकते हैं एंग्री, बट मैं खड़ा रहूंगा सच पे और ये वीडियो होगी हिंदी में, ताकि पूरा देश, पूरा भारत इस वीडियो के थ्रू समझ सके आखिरकार शिलोंग की क्या सच्चाई है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा कैसा लगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस देश में हम कुछ चेंज लेकर आ सके। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। एंड हम बात कर रहे हैं शिलोंग की, द प्लेस विच इज नोन एज द बोर्ड ऑफ क्लाउड, द प्लेस फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस। बट For some people, this is opposite. Some people say that उनके लिए शिलोंग एक dangerous जगह। I have been to Shillong 2 times. और जब भी मैं शिलोंग जाता हूँ मुझे प्यार ही मिलता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा वेलकम महसूस होता है वहाँ पे, हमेशा हमेशा हॉस्पिटैलिटी मिलती है। और मैं सच सच बताऊँ तो मैं, अगर आप लोगों को लगता है मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप मेरे चैनल की वीडियोस में जाइए, उस वीडियोस को देखिए, एंड देन यू विल रियलाइज हाउ मच द लव देयर इज इन द पीपल ऑफ शिलोंग। शिलोंग स्टैंड्स फॉर यूनिटी, शिलोंग स्टैंड्स फॉर लव, शिलोंग स्टैंड फॉर ऑल द काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल थिंग्स। एंड यस आई एग्री, वहां हिंदुओं को वहां ढाकर्स मतलब आउटसाइडर बोलते हैं। वहां पे समटाइम्स इट हैपेंस के बाहर के लोगों को डकार बोलना, इस तरीके की चीजें जरूर होती है। आई एक्सेप्ट द फैक्ट, बट दैट डजंट मीन के होल सिटी इज डूइंग द डिस्क्रिमिनेशन, द होल सिटी इज बैड। सबसे बड़ी घटना हुई 1979 में, हम हिंदुओं के पूजा करने का विवाद इतना बड़ा बना कि हम हिंदुओं को घरों से बाहर निकाल निकाल कर मारा, हमारे घरों को जला दिया, हमारी दुकानें और प्रॉपर्टी तबाह कर दी। 20,000 से ज्यादा हिंदू शिलोंग छोड़ गए, सालों तक रेफ्यूजी कैंप में पड़े रहे, लेकिन ना कोई खबर, ना टीवी और ना सरकार। 1984 हिंदुओं के नरसंहार की दूसरी घटना। एंड यस आई फुली सिंपथाइज विद द पीपल हु हैव गॉन थ्रू ट्रबल्स इन द पास्ट, और पास्ट के अंदर कुछ ना कुछ गलत हुआ जरूर है। इसके लिए भी मैं सच बात एक्सेप्ट करता हूं कि जो भी उन लोगों ने बोला उसमें से ऑलमोस्ट मे बी 20-30% सच हो सकता है, बट 70% इट इज जस्ट अ फॉर्मेटेड लाइज टू मेक द वीडियो वायरल एंड मेक द इमेज ऑफ शिलोंग एज टेररिस्ट स्टेट, एंड ताकि दुनिया के लोग शिलोंग से डरे, वहां ना जाए, वहां का टूरिज्म घटे। एंड व्हेन टूरिज्म विल बी रिड्यूस फ्रॉम द स्टेट, the people, Christian people and the other, even the minorities, they will also not have their own bread and butter also. कहाँ जाएंगे फिर वो लोग? किसी को हमारे जान की कोई नहीं पड़ी, मानो ऐसा कि हम जिंदे रहे या ना रहे इसका कोई मतलब ही नहीं। आप हंसते हैं ना कि हम राइस बैग लेकर कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी यह जानने की कोशिश करिए कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, पिछले 40 सालों से हमारे साथ क्या हो रहा है, यह जानने की कोशिश करी है। मैंने सर्वे भी किया है, लोगों ने बोला वहां जाके देखिए क्या होता है। भाई मैं 2 बार जा चुका हूं, कुछ मुझे तो ऐसा लगा नहीं इतना डेंजर है। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हमारे साथ एक आंटी जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आंटी जी को कुछ कुछ लोग बोलते हैं शिलोंग बड़ा खतरनाक है, डर लगता है। नहीं नहीं हम लोग का लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने साल से रह रहे हैं?
25 साल रहते हुए मेरा ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हुआ है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरा 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि आखिर लोग कहते हैं कि शिलोंग में खतरा है, कभी कभी लोग सोचते हैं भेदभाव कुछ ऐसा, क्योंकि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे है तो ये पसंद नहीं होगा ऐसा कोई बात है? कभी कुछ होता है? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना। तो लोग जो बिना बात डरते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, मेन है प्रॉपरली रहना है, बस अच्छे से रहना है, सबके साथ प्रॉपरली बिहेव करना है। अगर किसी के साथ आप अगर झगड़ा करने जाओगे तो झगड़ा तो होगा ही। नहीं नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है। आपके साथ नहीं हुआ ना? मैं सबके साथ दोस्त हूँ, लाइक मेरे काफी सारे गारो खांसी सब। बताइए मुझे कि शिलोंग कैसा लगता है? शिलोंग बढ़िया है, वेदर भी सही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शिलोंग बहुत खतरा होता है यहाँ पे। कुछ खतरा कुछ कुछ लोगों के लिए होता है। कैसे लोगों के लिए होता है? मीन्स जैसा कि शराब पी के कोई उल्टा फुल्टा करता है तो उसका लिए बहुत खतरा है। अच्छा, स्टे एंड स्टडिंग हियर, सो हाउ यू फील अबाउट हाउ सेफ शिलोंग इज? So Shillong is quite safe, even if we talk about going out at night, so it's quite safe. We personally feel like nobody is bad over here and everybody is so hospitable over here. People respect women a lot here, which is a good part about Shillong, and it's quite safe comparatively to other states if I talk about or other cities. Barua, so Barua ji, aap kitne saal se reh rahe hain yahan pe? Main to paida hi si. Paida hi se hue. तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि शिलोंग खतरा है, क्या लगता है आपको? कुछ लगता है आपको खतरा? बचपन से तो यहाँ पे हूँ तो कभी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके साथ तो खतरा कुछ नहीं हुआ ऐसे? नहीं नहीं, कोई आपके साथ कभी भेदभाव ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मेरा स्कूलिंग कॉलेज यहाँ। आज अगर उन लोग कुछ बुरा होता है तो मैं यहाँ पे रह नहीं सकता था। बट हाउएवर वी डिडंट फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन बीइंग अ नॉर्थ इंडियन और बीइंग आउटसाइड शिलोंग। देखिए आप कहीं भी जाइए, आप दिल्ली में जाइए, आप कलकत्ता में जाइए, आप बॉम्बे जाइए, हर जगह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो शिलोंग में ऐसा कुछ नहीं है कि दैट इन ए मास दैट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वो अंदर अंदर में तो कुछ अपना आप में प्रॉब्लम हो सकता है तो वो होते रहेगा, वो कुछ कैन नॉट हेल्प इट। इतने साल से रह रहे हैं, मेरा ग्रैंडफादर 1935 में आए थे यहाँ पे, उसके बाद मेरा पिताजी यहाँ पे स्कूलिंग, मेरा स्कूलिंग यहाँ पे, मेरा एंटायर फैमिली यहाँ पे है। मैं सबको बोलना चाहता हूँ जो आप लोग आइए, जो टूरिस्ट लोग हैं, हमारे टूरिस्ट भाई लोग हैं, आइए हम लोग का शिलोंग में आइए और देखिए हम लोग का शिलोंग कितना सुंदर है, कितना कितना सारा टूरिस्ट प्लेस है, आप लोग देख के जाइए। प्लीज कम टू शिलोंग, एक बार शिलोंग आके घूम के जाइए, बहुत अच्छा है शिलोंग। आई लव शिलोंग। यस, आई लव सो मच शिलोंग। आई लव शिलोंग। आई लव शिलोंग। आई लव शिलोंग। I love Shillong too. So, आपने देखा कि वहाँ पे बंगाली कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी एंड अदर रिलीजन्स के लोग बहुत लोग रहते हैं। और जब मैं गया था शिलोंग इस बारी इन अराउंड लाइक नवंबर, अक्टूबर नवंबर के बीच में भी मैं गया, उस टाइम पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा दुर्गा पूजा के लिए बहुत ही बड़ा पंडाल्स लगते हैं वहाँ पे। हम हिंदुओं के पूजा करने का विवाद इतना बड़ा बना कि हम हिंदुओं को घरों से बाहर निकाल कर मारा, हमारे घरों को जला दिया, हमारी दुकानें और प्रॉपर्टी तबाह कर दी। लोग बोल रहे कि हिंदू सफर कर रहे हैं वहां पे। भाई साहब, आप जिनको नॉलेज नहीं है, आप सुनिए वहां की मीडिया के मुंह से। In Khasi Hills, there are 126 community puja pandals, 11 in Jainta Hills and 120 in Garo Hills districts, with many of the puja committees celebrating their silver, golden, diamond and platinum jubilee. कि कितने ज़्यादा मंदिर हैं जैंतिया हिल्स, जो कि खासी हिल्स कहा जाता है, खासी हिल्स है जैंतिया हिल्स, वहाँ पे एक शक्ति पीठ है माता का, जिसको हम शेरोवाली माता बोलते हैं, उनको उन्हीं का एक रूप कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं। जयंतेश्वरी टेम्पल भी है वहाँ पे, जैसे इंटरनेट पे मैंने चेक किया है, कई लोगों ने मुझे बताया है कि वहाँ पे एक टेम्पल है जो कि 600 ईयर पुराना है, जिसके बारे में मैंने नेट पे भी सर्च किया, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन आप देख सकते हैं कि यस वहाँ पे ये बात सच है। अगर वहाँ पे 600 ईयर्स पुराना एक मंदिर हो सकता है तो क्या वहां पे हिंदू इतना ज्यादा सफर कर सकते हैं? आप खुद सोचिए। Guys, if you really love this video, do not forget to share this with your friends and family. And yes, if you really like our efforts to increase the awareness and tourism of Meghalaya, do not forget to hit the subscribe button and be a part of our channel and our initiative, the voice of youth. And yes, if you really want to be my friend on Instagram, go and follow me on the Instagram. Link is under the description. See you in the next video and do not forget, love always wins. See you.